गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्थशास्त्र की संकल्पना। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन। इस प्रकार यह दो शब्द मिलकर अर्थशास्त्र बनाते हैं। अपनी आवश्यकताओं तथा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम धन कमाने के लिए जितने भी कार्य करते हैं वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम अर्थशास्त्र को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाओं में एडम स्मिथ, वॉकर, JBC, JS मिल आदि आते हैं। दूसरे भाग में कल्याण संबंधी परिभाषाएं हैं, जिसमें मार्शल, पीगू, पेंशन आदि हैं। तीसरे भाग में दुर्लभता संबंधी परिभाषा हैं, जिसमें रॉबिन्स आदि हैं। चौथे भाग में अन्य परिभाषाएं हैं, जिसमें प्रोफेसर JK मेहता, कौटिल्य, MG बोकरे, सेमुएलसन आदि हैं। सबसे पहले हम धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं या धन केंद्रित परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिष्ठित या प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र माना है। अर्थशास्त्र के विषय पर सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी। इस कारण इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र मानने वाली प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के बारे में कहते हैं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वॉकर कहते हैं, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। JBC कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या संपत्ति की विवेचना करता है। JS मिल कहते हैं, अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडम स्मिथ के महान ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन ने आर्थिक विचारों में क्रांति उत्पन्न की। स्मिथ वास्तव में अर्थशास्त्र के पिता की पदवी के पात्र हैं। उनसे पहले आर्थिक लेखकों ने कुछ फुटकर आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तो कर दिया, परंतु वे किसी विचार प्रणाली का निर्माण नहीं कर पाए थे। स्मिथ ने सही और अच्छे विचारों को चुनकर एक आर्थिक प्रणाली का निर्माण किया। मैकक्लोच के शब्दों में, स्मिथ ने वह सब ग्रहण कर लिया जो फ्रेंच और इंग्लिश लेखकों के विचारों में सर्वोत्तम था। उसने इन विचारों को एक नया रूप दिया और विभिन्न सिद्धांतों को एक सूत्र में बांधकर आर्थिक विचारों के एक सुंदर अनुरूप तथा तर्कशील कलेवर का निर्माण किया। स्मिथ ने बड़ी सावधानीपूर्वक पूर्व लेखकों के सिद्धांतों को उनकी त्रुटियों से पृथक किया और उन्हें पारस्परिक संबंधों के आधार पर एक समृद्ध सूत्र में बांध दिया। अब हम अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र मानने वाली या कल्याण केंद्रित परिभाषाएं पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र को धन संबंधी परिभाषाओं की संकुचित विचारधारा से बाहर निकालकर असत्य एवं घृणा से ओतपोत विचारों को दूर रखते हुए इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को एक नई दिशा देकर क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। डॉक्टर मार्शल, पीगू आदि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र मानते हैं। प्रोफेसर मार्शल एवं उनके अनुयायियों की मान्यता है कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। अर्थात धन साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र है। साध्य मानवीय कल्याण है। इसकी प्राप्ति के लिए धन का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार मार्शल तथा उनके साथी
पिगू, क्लार्क, केनल आदि अर्थशास्त्रियों ने धन की अपेक्षा मनुष्य के भौतिक कल्याण पर अधिक बल दिया है। इस विचारधारा के समर्थक प्रमुख अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं निम्नानुसार है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन में साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह इस बात का पता लगाता है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका उपभोग करता है। इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। दूसरी परिभाषा है पिगू की, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। तीसरी परिभाषा है प्रोफेसर पैंसन, अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है। चौथी परिभाषा है प्रोफेसर फेयरचाइल्ड, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा भौतिक साधन संपन्न मनुष्य सचेष्ट होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के निर्मित ज्ञान प्राप्त करता है। अन्यत्र प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका विशेष संबंध जीवन में भौतिक कल्याण अथवा सुख से संबंधित पदार्थों की प्राप्ति एवं उपयोग है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक ओर तो धन का अध्ययन है तथा दूसरी ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह मानव के अध्ययन का एक भाग है। अब हम दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं पढ़ेंगे। रॉबिन्स तथा उनके साथी एवं अनुयायियों ने अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं पर तीव्र प्रहार किया तथा अपने पृथक मत का प्रतिपादन किया जो दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ। रॉबिन्स आदि अर्थशास्त्रियों की ऐसी धारणा है कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से स्थापित करना उचित नहीं है। उन्होंने तो एक स्थान पर यहाँ तक लिखा है कि अर्थशास्त्र का संबंध किसी भी बात से हो सकता है किंतु इसका संबंध भौतिक कल्याण से कतई नहीं है। रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा। प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा के दोषों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा नवीन ढंग से दी है। उनकी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित लक्ष्यों तथा सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का शास्त्र कहा है। उनके अनुसार मानवीय उद्देश्य असीमित होते हैं जबकि साधन सीमित होते हैं जिनका वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। असीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए या चुनाव करना ही अर्थशास्त्र के अध्ययन की मूल बात है। अर्थात